गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू द क्लास आज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट और इसमें हम करेंगे ह्यूमन हार्ट ये मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाती हूँ हार्ट की ये देखो ये एक मॉडल है ह्यूमन हार्ट अगर आप देखो तो इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन राइट एंड इट इट वेज अराउंड थ्री हंड्रेड ग्राम्स राइट एंड अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो ये जो है अराउंड अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये ट्वेल्व सेंटीमीटर होती है विथ देखें तो इफ़ यू सी इट इज़ अराउंड एट सेंटीमीटर और अगर हम डेप्थ देखें तो ये डेप्थ डेप्थ हम देखें दैट इज़ अराउंड सिक्स सेंटीमीटर ठीक है इसमें आप देखो इसका जो ब्रॉडर एंड है जिसको हम कहते हैं बेस बेस जो है ये देखो आप ऊपर की तरफ है बट बैकवर्डली डायरेक्टेड ठीक है ना और एपेक्स जो है नीचे की तरफ है बट फॉरवर्डली डायरेक्टेड यानी कि इसकी पोजिशन जो है वो ओब्लिक है राइट इसको बोलते हैं बेस एंड दिस एंड इज नोन एज एपेक्स राइट अब इफ यू सी अगर जैसे हार्ट है ये हार्ट है सपोज आप ये पोजिशन लगाओ हार्ट की हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम ठीक है अब हम पेरी कार्डियम देखते हैं कैसा होता है कि आप इमेजिन करो कि जैसे ये हार्ट की आउटर मोस्ट लाइनिंग है हार्ट के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको भी हमने नाम दिया पेरी कार्डियम राइट पेरी कार्डियम भी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है This upper part is known as fibrous pericardium, and this lower part is known as serous pericardium. Okay. Serous pericardium is again divided into two thin layers, like this. This upper layer is known as parietal layer, and this lower layer is known as visceral layer. राइट right? अब आप देखो इन दोनों लेयर्स के बीच में से दिस इज वन लेयर एंड दिस इज अनदर लेयर इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी ठीक है ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है दिस इज़ फिल्ड विद अ फ्लूड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूड ये एक सिलोमिक फ्लूड है जो कि सीरस पेरिकार्डियम ही सिक्रीट करता है राइट अब सीरस सीरस पेरिकार्डियम से ऊपर जो लेयर है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम यू सी इट इज़ यू नो मेड अप ऑफ थिक इन इलास्टिक फाइबर्स राइट अब जो है ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये क्या करता है इट यू नो प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज क्योंकि ये जो फाइब्रस लेयर थिक फाइब्रस लेयर है ना दूसरा क्या होता है कि ये जो है हार्ट के साइज़ पर भी चेक रखता है कैसे कि इट डज़ नॉट अलाउ यू नो टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट दूसरा ये है कि इफ यू सी कैपेसटो हार्ट यानी कि हार्ट तो मस्कुलर आओ ना उसको स्ट्रेच करने नहीं देता है दूसरा उसको ओवरफुल नहीं होने देता है विद द ब्लड सो इससे जो है हार्ट का जो साइज है वो चेक्ड रहता है वो ग्रो नहीं करता है वो लिमिटेड रहता है नेक्स्ट लेयर इज़ सीरस लेयर सीरस लेयर जो है एज आई टोल्ड यू इट इज़ फिल्ड अप विद अ फ्लूइड इन द पेरी कार्डियल कैविटी तो ये जो फ्लूड है विच इज़ क्रिएटेड बाई द सीरस लेयर इफ यू सी दिस सीरस लेयर इट यू नो कीप्स द हार्ट मॉइस्ट दूसरा इट अलाउज मूवमेंट ऑफ हार्ट फ्रिक्शनलेस यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है और हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करता है और दूसरे टिश्यूज़ को डैमेज है उनके अगेंस्ट रब नहीं करता है राइट सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरी कार्डियम राइट नाउ वी कम टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट राइट अगर हम आ, ये आ, जैसे कि आपको पिक्चर से भी पता चल रहा है कि या फिर दे, आ, आ, दे, हार्ट जो है अगर मैं आपको बताऊं कि हार्ट जो है ये जैसे जस, अभी मैंने ब्रॉड बेस बनाया था और ये एपेक्स बनाया था इफ़ यू सी हार्ट कंसिस्ट ऑफ यू नो फोर चैम्बर्स एक्सटर्नली ऑल्सो डिमार्केशन लाइक दिस विच डिमार्केट्स ऑरिकल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स दिस दिस रफ ग्रूव्स बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स आर नोन एज कोरोनरी सल्कस राइट इसी तरह वेंट्रिकल्स के ऊपर भी एक ग्रूप है जिसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल सल्कस राइट तो इससे जो है वी कैन मेक आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दैट हार्ट इज ए फोर चैम्बर स्ट्रक्चर ठीक है चैम्बर में भी इफ यू सी ऑरिकल्स ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम है दिस ये उसको कंप्लीटली जो डिवाइडेड करके रखता है हाँ दोनों लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स के बीच में देर इज कम्युनिकेशन ठीक है ना ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं चैम्बर्स सो वी कैन से दैट हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप राइट अब ओरिकल हम देखेंगे तो अगर इफ़ यू सी जस्ट सी द फिगर अगर हम इफ uh, यू uh, अगर हम फ्रंट से देखें तो वी फाइंड कि ओरिकल तो देखा जाए ओनली बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है अगर हम साइड से देखें इफ़ यू सी ओरिकल जो इतना इट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर बट आगे से जो है केवल इतना ही पोर्शन दिखता है तो दिस पोर्शन विच इज़ विजिबल फ्रॉम द फ्रंट मोस्ट ऑफ द ऑरिकल लाइज बिहाइंड द वेंट्रिकल वेंट्रिकल के पीछे छिप जाता है जो पोर्शन सामने हमें दिखाई देता है दिस विजिबल पोर्शन ऑफ द दिस ऑरिकल इज़ नोन एज अपेंडिक्स ऑरिकुलर अपेंडिक्स या ऑरिकुलर अपेंडिज यानी कि ऑरिकुलर अपेंडेज वो पार्ट है जो ऑरिकल ऑरिकल का प्रोजेक्ट कर रहा है वेट्रिकल के ऊपर यानी कि दिस पोर्शन जो कि सामने से दिखाई दे है इसको ऑरिकुलर अपेंडेज बोलते हैं ठीक है अगर हम हार्ट की पोजीशन देखें तो ये आप देखो हार्ट जो है आगे की तरफ होता है और आगे की तरफ अगर आप देखो ये जो है चारों तरफ से हार्ट जो है रिब्स से कवर्ड है और ये रिब्स जो है आगे स्टर्नम में मर्ज कर रहे हैं तो स्टर्नम्स के जस्ट पीछे की तरफ जो है ये देखो हार्ट है और पीछे जो है हार्ट के पीछे क्या वर्टिव्रल कॉलम है ठीक है और क्योंकि इसका जो कोनिकल है जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा लाइट लेफ्ट तरफ डिस्प्लेसड है तो इस इस तरह हम कहते हैं ना हार्ट जो है लेफ्ट तरफ होता है नहीं हार्ट एक्चुअली मिडिल में लोकेटेड होता है पर इसका एपेक्स जो है थोड़ा लेफ़्ट की तरफ होता है और अब आप देखो हार्ट के दोनों तरफ जो है यहाँ पर लंग्स होते हैं ये देखो ये देखो रिब्स हैं पीछे पीछे वर्टिकल कॉलम है पीछी, पीछी आगे रिब्स है स्टर्नम में मर्ज हो जाते हैं रिब्स और नीचे जो है आप देखो डायफ्रम है तो इस तरह से अब आप देखो हार्ट जो है इतने सारे प्रोटेक्टिव यू नो स्ट्रक्चर्स हैं इसके वी कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर सी अगर हम इं, इंटरनली देखें ऑरिकल हार्ट को तो वी फाइंड जैसे सामने से अभी मैंने जैसे बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ यू नो टू ऑरिकल्स लाइक दिस इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल राइट और इन दोनों ऑरिकल्स के नीचे दे हैव रिस्पेक्ट वेंट्रिकल्स लाइक दिस राइट सो We can say that just a minute. I just want to make it more clear. ये इस तरह से जो है हार्ट के जो है चार चैम्बर्स हैं नाउ इफ यू सी हम पहले करते हैं ऑरिकल्स कितने ऑरिकल्स हैं दो ऑरिकल हैं राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल राइट अगर हम देखें तो ये राइट ओरिकल की जो वॉल है कंपैरेटिवली थिन है एक बार मैं ऐसे इट इज uh, ये थोड़ी सी थिन है बिकॉज इस ऑरिकल को ब्लड पंप करके कहाँ भेजना है इसको ब्लड पंप करके केवल वेंट्रिकली वेंट्रिकल में ही भेजना है ना राइट सो दैट इज़ वाई द वॉल्स आर थिन और ओरिकल की अगर हम वो देखें वॉल में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एलिवेशंस हैं ऑन द वॉल इन एलिवेशंस को बोलते हैं मस्क्यूली पैक्टिनेट पैक्टिनेट राइट और दोनों ऑरिकल्स के बीच में ये जो सेप्टम है इसको बोलते हैं ओरिकुलर सेप्टम या इंटर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम राइट अब ये जो सेप्टम अगर अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये जो सेप्टम है यहाँ पर एक बीच में एक पोर्शन है जो कि इजिली डिमार्केटेड और बड़ा थिन मेम्ब्रेनस पोर्शन है इस पोर्शन को कहते हैं फोसा ओवेलिस हालांकि कंप्लीट सेप्टम है बट एक जगह जो है वो काफ़ी थिन है इंट्रॉरिकुलर सेप्टम और ये जो है मानते हैं कि फीटस जब था आ, जब डेवलपिंग फीटस में यहाँ पर बीच में एक होल होता है और उस होल को बोलते हैं फोर एमन ओवल यानी कि फोर एम एन ओवेल फीटस में प्रेजेंट था और ये फोर एमन ओवल बन के, बाद में ऊपर पूरा कवर करके क्या बन गया फोसा ओवेलिस बन गया राइट नाउ वे कम टू वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स अब आप देखो कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो है कंपेरेटिवली छोटी है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इज यू नो शॉर्टर क्योंकि ये जो इंटर और वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो ये एकदम जो एपेक्स एपेक्स तो यहाँ पे एपेक्स तक नहीं जाता है ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल के काफ़ी पोर्शन को कवर कर लेता है अगर हम देखें ना टेक्निकली तो राइट वेंट्रिकल समथिंग इट लु, 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 लुक समथिंग लाइक दैस और लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह से सर्कुलर दिखती है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया राइट वेंट्रिकल का ठीक है अब र, अब जो वेंट्रिकल्स की हम वॉल देखें वो कंपैरेटिवली थकर होती हैं देन ऑरिकल बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड एट अ डिस्टेंट प्लेसेस अब आप देखो uh, जो लेफ़्ट uh, वेंट्रिकल से तो ब्लड जो है बॉडी के लास्ट एंड तक भी जा रहा होता है ना तो इसीलिए ये इनकी वॉल्स जो कंपैरेटिवली थक्कर है तो ये जो थिक एंड वॉल्स हैं इनको बोलते हैं uh, कॉलमनी कारनी ई e ए -E. ठीक है इसको ट्रेबिक्यू ट्रेबिक्यूली कार्निब भी बोलते हैं ये जो थिक एंड वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर कई बार इवन यू you नो know, इन ट्रेबल ट्रेब्ल्यू ट्रेविक्यू, ट्रैबिक्यूली कार्निब के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्शंस हैं मसल्स की जिनको कहते हैं पैपुलरी मसल्स ठीक है और ये जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से एक ट्राइब्यूकली प्रोजेक्ट करती है जिसको कहते हैं मॉडरेटर बैंड और ये मॉडरेटर बैंड जो है अगर हम देखें तो ये, ये पेपुलरी मसल्स की बेस तक जा रहा होता है राइट नाउ वी कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट right वेंट्रिकल से थ्री टाइम्स मोर थिकेंड है बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है कहाँ तक पंप करना मैक्सिमम बॉडी का पूरा जो डिस्टेंट सेल है वहां तक भी इसको ब्लड पहुँचाना है जबकि राइट वेंट्रिकुल को ब्लड जो है कहाँ तक पहुँचाना है केवल लंग्स तक पहुंचाना है जो कि पास में ही ठीक है यहाँ पर भी इसी तरह से जो है थिक एंड muscle, वो मसल्स है जिसको कॉलम निकारने बोलते हैं और कॉलम निकारने के ऊपर जो है इस तरह से पेपिलरी मसल्स अटैच राइट क्योंकि अब आप देखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड पंप करती है तो जो ब्लड वेसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हैं दे हैव हाई ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल करेक्ट नो दिस वॉज अबाउट द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स नाउ विल टॉक अबाउट ग्रेट ब्लड वेसल्स ग्रेट ब्लड वेसल्स क्या होती हैं वो ब्लड वेसल्स जो डायरेक्टली हार्ट से अटैच्ड हैं यानी कि हार्ट में एंटर कर रही है हार्ट से निकल रही है राइट right. सबसे पहले हम देखते हैं राइट ऑरिकल राइट ऑरिकल इफ यू सी इसके अंदर दो बड़ी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं एक तो अपर बॉडी पार्ट से यानी कि हेड से और थोरैक्स के ऊपर से जो ब्लड लेकर आ रही है उन एक ब्लड वेसल है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कै सुपीरियर वेना केवा जो है डी ब्लड लेकर आ रही है अपर बॉडी पार्ट से थोरैक से अपर इसी तरह एक और ब्लड वेसल है जिसको कहते हैं इन्फीरियर वेनाकेवा जो थोरेसिक रीजन से लोअर रीजन से थोरेसिक और उससे उसके लोअर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ पोर कर रही है राइट ऑरिकल में पोर कर रही है राइट नव इफ़ यू सी यहाँ पर एक और ब्लड ब्लड, ब्लड वेसल राइट ऑरिकल में ओपन हो रही है देखो ये एक तो ये हो गई सुपीरियर वैना कहवा यहाँ पर इंफीरियर वैना कहवा uh, हार्ट का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट औरकल की वॉल में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस तो ये कॉरोनरी साइनस भी इफ यू सी इट ओपन्स इन द राइट और एक कल लाइक दस यहाँ पर वो ओपन होता है डिऑक्सी ब्लड पोर करता है। ठीक है आया समझ में अब ये जो है अगर हम आ, देख जो इन्फीरियर वेना केवा है इसकी जो ओपनिंग है न वो एक थिन यहाँ पे पेपर पेपर ही यू कैन से इसके ऊपर मेमब्रेनस फोल्ड है इसके ऊपर इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग के ऊपर इसको कहते हैं वेल्व ऑफ स्टैशियस Valve of, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ वेल्व ऑफ उस राइट और जो है इस तरह जो, ये जो ब्लड है ये वहाँ पर ओ, ओ, ओपन हो रहा है अच्छा ये जो कोरोनरी साइनस है ना यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेनस फोल्ड है ओपनिंग पर इसको कह, इस, इस ओपनिंग को बोलते हैं या इस वेल्व को इस कवरिंग को बोलते हैं ल्व ऑफ थेबेसियस ठीक है और सुपीरियर वेना की ओपनिंग के ऊपर इस तरह की कोई वैल्व नहीं है ओके okay. नाउ अब जो ये जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वैल्व ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वैल्व ठीक है और अगर हम इसको ए वी भी बोल देते हैं आसानी के लिए जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्ब है या ए वी वेल्ब है सी ये इस तरह से वैल्व होते हैं और इस वैल्व के तीन फ्लैप्स हैं इस तरह से अगर देखा जाए और ये जो फ्लैप्स का एक एंड तो यहाँ रिम के साथ अटैच है वेल्व के साथ और दूसरा एंड फ्रीली प्रोजेक्ट कर रहा है वेंट्रिकल यहाँ पर ये इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है ठीक है अब ये ज, ये जो पेपिलरी मसल्स है अच्छा चलो इस पे बाद में आ, आ, हम आते हैं तो ये जो वेल्वस है ना इफ यू सी ये इनकी पोजीशन इस तरह की है दैट दे अलाउ ओनली वन वे फ्लो ऑफ ब्लड ठीक है ओके अब ये जो प्रोजेक्टेड एंड है ना नीचे की तरफ एंड है वेल्व का राइट uh, वेंट्रिकल right में ये इट इज अटैच्ड विद द पेपुलरी मसल्स विद कनेक्टिव टिश्यू ये देखो ये यहाँ पर जो पेपलरी मसल के साथ ये वेल्व्स जो है अटैच्ड हैं और इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी ठीक है कॉर्डा टेंडिनी के साथ ये वेल्व नीचे की तरफ पुश होती हैं ताकि दे अलाउ ओनली वन वे फ्लो ऑफ ब्लड दैट इज राइट ऑरिकल से राइट right वेंट्रिकल में ही ब्लड पास हो ठीक है अब ये जो आ, वेल्व uh, है ए वी वेल्व है ये तीन फ्लैप्स की बनी हुई है इसीलिए इसको ट्राई कस्पिड वैल्व बोलते हैं ठीक है ये इस तरह और यहाँ पे कॉर्डा टेंडनी से नीचे की तरफ ये जो है वेल्व यहाँ ये पेपिलरी मसल्स और ये अटैच्ड है ये कनेक्टिव टिश्यू से करेक्ट वी uh, अब ये जो राइट right, वेंट्रिकल uh, है इफ़ यू सी ये राइट राइट वेंट्रिकल ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक ओपनिंग है मैं एक बार आपके डायग्राम दिखाते आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखो ये जो राइट आ, ये जो राइट वेंट्रिकल है ऊपर कॉर्नर की तरफ से ओपन हो रही है इनटू दिस पल्मनरी एरोटा ठीक है तो ये वेंट्रिकल का जो पल्मनरी एयोटा में ओपनिंग है

औरकल लेफ्ट ऑरिकल में इफ्यूजी दो पल्मोनरी यू नो वेन जो है वो अटैच है ये दो पल्मोनरी वेन कौन से है दो पल्मन जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेकर आ रही है दो यहाँ हैं और दो जो है पीछे की तरफ हैं जो कि इसमें ओपन होती है ये दो पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट राइट uh, right है और ये दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है ओपन हो रही है लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनरेटेड ब्लड लेकर आ रही है अब ये जो लेफ्ट uh, ऑरिकल uh, है दैट इज अटैच्ड विद लेफ्ट वेंट्रिकल बाय वैल्व हेयर ऑल्सो ये वैल्व है और इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू से पैपलेरी मसल के साथ अटैच्ड है जैसे कि राइट right वेंट्रिकल में आपने देखा था पर यहाँ पर जो वेल्व है जो यानी कि जो लेफ्ट एवी वी है ये जो है यहाँ पर वेल्व में केवल दो ही फ्लैप हैं इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बाई कस्पिड वैल्व बोलेंगे इसको मिट्रल वैल्व भी बोलते हैं ठीक है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी इस कॉर्नर से ओपन होती है इनटू अनदर ब्लड वेसल जिसको कहते हैं एरोटिक आर्च या एटा देखो मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊंगी तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये देखो ये जैसे आ, राइट वेंट्रिकल किस में ओपन हो रही थी इसमें पल्मोनरी एरोटा में ओपन हो रही थी ये देखो ये है राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में ये देखो ये किस में ओपन हो रही है इट इज़ ओपनिंग इन टू ये एरोटा है जो कि अपने अलग अलग ब्रांचेस दे रहा है ठीक है तो ये तो थे सारा इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छा लूनर वैल्व के बारे में ये बोलूँगी देखो दो सेमी ये भी एक सेमी लूनर वेल्व है ये भी यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है बाहर ओपन हो रही हैं दो सेमी लूनर वैल्व से इनको सेमी लूनर वेल्व क्यों बोलते हैं अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये वेल्व है ये इस तरह इस तरह की शेप के यानी कि डिप्रेशन से कप शेप्ड है इसलिए इसको सेमी लूनर हाफ मून लाइक है ये भी इसमें भी अगर हम देखे जाए तो तीन फ्लैप्स हैं लूनर वेल्व में जो कि कप की शेप में है और इनकी भी स्ट्रक्चर इस तरह की दे अलाउ ओनली वन वे फ्लो ऑफ ब्लड ये केवल वन वे फ्लो अलाउ करती है अगर बैकवर्ड आए तो ये वैल्व के फ्लैप्स जो है आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं एंड दे डू नॉट अलाउ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड राइट तो इफ़ यू सी कि हार्ट uh, में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड अच्छा एक चीज़ और है कि आ, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा था कि एक तो देखो ये है आप देखो सुपीरियर वेना क्या हुआ है ओपन हो रही है देर इज़ नो वेल्फ राइट इसी तरह से ये जो पलमनरी वेन जो है ओपन हो रही है लेफ्ट ऑरिकल में दे आर दे ऑल्सो ओपन एज सच दे डो हैव है तो ये कैसे बैकवर्ड फ्लो अलाउ करती हैं क्या होता है ऑरिकल्स में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं चार ब्लड वेसल्स ये हैं और तीन ब्लड वेसल्स ग्रेट ब्लड वेसल्स ये हैं इनकी जो ओपनिंग होती, होती है ना यहाँ पर देर इज़ अ रिम ऑफ मसल्स और ये मसल्स जो है ओपनिंग पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ओपनिंग को बंद कर देती हैं और जब रिलैक्स होती है ब्लड को अलाउ करती हैं तो यहाँ पे वे ना होकर देर इज़ अ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट अराउंड द ओपनिंग राइट आई होप इसके साथ तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा थैंक यू वेरी मच